महाभारत में एक ऐसे प्रतापी राजा का जिक्र आता है जिनकी मृत्यु के बाद उनकी रानी ने पुत्र हासिल करने के लिए मूत्र शरीर से मिलन किया और 7 पुत्रों को जन्म दिया। ये है महाभारत की वो कथा जिसमें मृत राजा के साथ मिलन से रानी को 7 पुत्र हुए। क्या ये संभव है? साइंस क्या कहती है इस पर? नमस्कार दोस्तों, मधुसरस चैनल पर आपका स्वागत है। महाभारत के आदि पर्व में इस कथा का जिक्र मिलता है। यह कथा राजा व्यूषित्राश्व से जुड़ी है। कौन थे राजा व्यूषित्राश्व? वह चंद्रवंश के राजा शंखन के पुत्र थे। व्यूषित्राश्व ने राजा कशिवत की पुत्री भद्रा से विवाह किया था, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। महाभारत में व्यूषित्राश्व को एक धार्मिक राजा बताया गया है। कहा जाता है कि उन्होंने एक महान बलिदान किया था जिसमें इंद्र के नेतृत्व में सभी आकाशीय देवता आए थे। इस बलिदान के बाद व्यूषित्राश्व ने महान शक्ति प्राप्त की। उन्होंने अश्वमेध समारोह के माध्यम से सभी दिशाओं के राजाओं पर विजय प्राप्त की। दरअसल महाभारत में इस प्रतापी राजा का जिक्र राजा पांडु यानी पांडवों के पिता ने अपनी बड़ी रानी कुंती से किया था। पांडु को श्राप मिला था कि वह जब भी पत्नी के साथ संसर्ग करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने प्रेम में लीन हिरणों की जोड़ी को अपने बाण से शिकार करके मार दिया था। और तब उन्हें यह श्राप मिला कि जिस तरह उन्होंने संसर्ग रत हिरण को शिकार करके मृत्यु तक पहुंचाया, वो उनके साथ भी होगा। जब भी वह अपनी पत्नी के साथ प्रेमरत होने जाएंगे तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। लिहाजा अब पांडु कोई संतान पैदा नहीं कर सकते थे। वह अब तक संतान विहीन थे। वह अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माधवी के साथ वन में रहने लगे। राजा पांडु को वन में रहने के दौरान संतान नहीं होने की बहुत चिंता सताती थी। एक दिन उन्होंने एकांत में कुंती से कहा कि तुम संतान प्राप्ति की कोशिश करो। आपातकाल में स्त्रियां उत्तम वर्ग के पुरुष या देवर से पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। खुद राजा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म इसी प्रकार ऋषि व्यास के साथ संसर्ग से हुआ था। राजा पांडु की बातों के बाद कुंती ने उनसे यही पूछा कि अगर राजा व्यूषित्राश्व की मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नी रानी भद्रा ने जब उनसे मिलन किया और वे गर्भवती हो गई और 7 बेटों को जन्म दिया, तो आप भी तपस्या के प्रभाव से मेरे गर्भ में मानस पुत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। तब पांडु बोले, व्यूषित्राश्व देवता समान बलशाली थे, मुझ में वह शक्ति नहीं है। पौराणिक विश्वकोश के अनुसार महाभारत आदि पर्व के अध्याय 20 में लिखा है कि व्यूषित्राश्व कुरु वंश के राजा थे, जो धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उन्होंने कई यज्ञ किए जिनसे उन्हें महान शक्तियां प्राप्त हुई। जब देवताओं के समान शक्तिशाली राजा के पास महान शक्तियां थी, उनका विवाह भद्रा से हुआ था जिसे वह बहुत प्यार करते थे। रानी भद्रा को उस समय भारत की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता था। उनके कोई संतान नहीं थी। क्षय रोग, जिसे अब यक्ष्मा रोग कहा जाता था, उससे उनकी मृत्यु हो गई। भद्रा दुख से ग्रस्त हो गई। भद्रा राजा के मृत शरीर को गले लगाकर बहुत देर तक रोती रही। उन्होंने अपने पति के साथ मरने का इरादा किया। तब आकाशीय आवाज ने उन्हें ऐसा करने से रोका। व्यूषित्राश्व की आत्मा जो शरीर से बाहर थी, उसने भद्रा से कहा, मेरी प्रिय, अपने मासिक धर्म के 8वें या 14वें दिन अपने बिस्तर पर मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। उसने राजा की इच्छा के अनुसार कार्य किया। राजा के मृत शरीर के साथ मिलन से रानी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, 3 सातु और 4 मद्र। इस विषय पर साइंस क्या कहती है? एक अध्ययन के दौरान मिले साक्ष्यों को आधार मानते हुए वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह दावा किया कि
इंसान की मौत के 48 घंटे बाद तक उसके शुक्राणु यानी कि स्पर्म गर्भधारण के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उससे स्वस्थ बच्चे पैदा हो सकते हैं। यह अध्ययन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में प्रकाशित हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि इंसान की मौत के बाद उसके अंगों को स्पर्म बैंक में जमा भी किया जा सकता है। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि मौत होने के 48 घंटे के भीतर दो तरीकों से शव से शुक्राणु निकाले जा सकते हैं, जिसमें सर्जरी के बाद से शव के शुक्राणु निकालना भी शामिल है। बाद में इसे प्रिजर्व करके रखा जा सकता है और जिनसे स्वस्थ संतान पैदा होती है। क्या हमारे पूर्वज साइंस में हमसे अधिक विकसित थे? आपका इस विषय पर क्या विचार है, कमेंट कर अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।